वाह वाह। डेफने, क्या तुम बाहर नहीं आओगी? हेलो। बताना पसंद करोगी क्या कर रही हो यहाँ? चलो चलो जल्दी चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। प्लीज, कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? लगता है आज सुबह जो भाई ने गुस्सा किया था वो सब कुछ भूल चुके हो तुम। एग्जैजरेट ना करो डेफने। यार यालन, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद ही करो। सिंपल है, मुझे नहीं अच्छा लगा जैसे वो तुम्हें देख रही थी। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और मैं तुम्हारे पीछे पागल होती जा रही हूँ, लेकिन वो मैं कुछ नहीं। अक्सर मेरी बातें फजूल ही होती हैं, तो तुम सीरियस मत होना। हाँ मेरा मतलब ये जो मैंने आखिर में कहा है उसे बिल्कुल सीरियस मत लेना। खैर ये मेरे लिए अच्छा नहीं, लेकिन तुम मैं समझी नहीं। खैर लड़कियां तो मुझे पसंद करती हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे बॉयफ्रेंड को कोई भी लड़की देखे, और अगर कोई लड़की तुम्हें देखेगी तो मैं वही करूंगी जो आज मैंने उन लड़कियों के साथ किया है। फिर चाहे कोई मुझे पागल ही क्यों ना कहे, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त कर लूंगी। इसलिए एक बात याद रखना कि तुम्हें दुनिया में एक ही लड़की पसंद कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की को वो हक है, और वो लड़की हूँ मैं जो कि यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हुई है। तो अब इस टॉपिक पर मुझे तुमसे मजीद और कोई बात नहीं करनी है। उम्मीद है कि अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। यार ये भाई सुबह सुबह यशम के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गाड़ी घुमाओ प्लीज, निकलो यहाँ से जल्दी करो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो जानती हो। हाँ, एक लगाऊंगी ना तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कि कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं तुम्हें। अब कहाँ जा रहे हो? देखते हैं किसकी जिद ज्यादा बड़ी है, डेफने या बरूचो। बहुत पछताएगा ये। यालन, बरुची, आरास, वाह वाह। डेफने, क्या तुम बाहर नहीं आओगी? हेलो। बताना पसंद करोगी क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहाँ पर अपने शूज के लेस बंद कर रही थी और कुछ नहीं, खुल गए थे। तुम इस आदमी की गाड़ी में क्या कर रही हो? हाँ दरअसल बात यह है कि हम दोनों की ना एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों उसके बारे में बात कर ले। सुबह सुबह ऑफिस के नीचे? अच्छा सवाल है, असल में अकल कहाँ काम करती है, खाली पेट। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले नाश्ता कर लें ताकि दिमाग चलना शुरू हो जाए, है ना यालन? किया हमने। शरारती है ये बहुत। मजाक का वक्त नहीं है ये, सच बताओ। मुझे तो याद ही नहीं है। गलत जवाब, कुछ और सोचो। मेरे खुदाया, मैंने तो जो कुछ भी कहा है सच कहा है, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहा है। यालन मजाक कर रहा है। डेफने, डराए तो नहीं? सुबह सुबह आप मुझसे कितने सवाल कर रहे हैं? क्या हो गया अगर मैंने एक सुबह अपने बॉस के साथ नाश्ता कर लिया तो? मगर नहीं, आपको तो हर बात पर ऑब्जेक्शन करना है। भाई आप जानते हैं कि दुनिया चांद तक पहुंच गई है, और आपका मसला क्या है कि मैंने अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर नाश्ता कर लिया है। हाँ तो कर लिया है, क्या मसला है इसमें? दुनिया में तो और बहुत कुछ हो रहा है, मेरा मतलब है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है। और सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, लोग तो मार्स पर भी टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं। हाँ, और आप यहाँ क्या करें? हाँ, अपनी बहन से सवाल कर रहे हैं, ये भी कोई तरीका हुआ? मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं, और होगा भी क्यों? मुझे अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है, तो ठीक है, बाकी बातें हम घर पर करेंगे। पता नहीं क्या मुसीबत है, कहाँ से आ गए भाई यहाँ पार्किंग लॉट में। अरे यार वैसे तुमने भी ना उसको बहुत कुछ अजीब अजीब बोल दिया, वो किसी अजनबी की गाड़ी में थोड़ी थी, भाई बॉस है उसके। नहीं मैं अजनबी नहीं हूँ। हाँ नहीं है ये, नहीं है ये, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं उसका बॉयफ्रेंड। भाई भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? सनान तुम इनका यकीन मत करो, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये घबरा गए हैं ना, ये कहना चाह रहे थे कि वो उसके बॉस है। ठीक है, या अल्लाह मुझे लगता है कि मेरा भाई ना पागल हो गया है। तुम किस बात पे हंस रहे हो? हाँ बरुची, मुझे लगता है कि 2 मिनट लगेंगे यशम को समझाने में। नहीं ये समझदार लड़की है, 1 मिनट में ही समझ जाएगी देखना। तुम जानते हो ये बात? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ देखा, मैंने कहा था ना समझदार लड़की, 1 मिनट भी नहीं लगाया इसने समझने में। अकलमंद तो ये है, मानना पड़ेगा। यशम
अच्छा सुनो डैफने को कुछ मत बताना, मैं चाहता हूँ वो खुद बताए मुझे सब। मैं नहीं बताऊंगी कि तुम जानते हो। तो दिखाओ, कोई जख्म भी नहीं है, ना आंखें सूजी हुई हैं, हड्डियां भी अपनी जगह पे हैं, जबड़ा भी सही लग रहा है, सर भी अपनी जगह सलामत है। ये कैसे हो सकता है? मतलब यानी तुमने भाई को नहीं पीटा? नहीं तो मैं क्यों मारूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? बरुचि बहुत जिद्दी हो गया है। मैंने से कहा भी कि मारो मुझे, मैंने से बताया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत जिद्दी है। देखो ये होती है तहसीब, तुमने इसे मारा पीटा, बहुत बेरहम हो गए, लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा है, देखो तो जरा। हाय मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यारा बेबी, मेरी जान, तुम भी ना मेरी बहन को यूं गले क्यों लगा रहे हो तुम? क्या हो गया? हाँ तुम जो सुबह से मेरी बहन को अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहे हो, क्या मैंने इस तरीके से बात की तुमसे? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम भी सुबह यशम के साथ ही थे बरूची। बात सुनो याले, नाराज कर मुझे गुस्सा आ गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ तो बताओ क्या करोगे? अरे बस करो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ना, एक नंबर के मुहज्जब नहीं हो तुम। हर वक्त ना बस लड़ने के बहाने ढूंढते रहना है। लड़ो फिर, चलो हो जा शुरू। ये तुम्हारी बहन आखिर चीज क्या है? पता नहीं यार। चलो खैर, खुश रहो, मिलते। अगर तुम सारा वक्त उस यालन के बारे में सोचोगी तो काम कैसे करोगी? अब बस करो और नहीं सोचना, किसी भी तरह से आज ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है। चेक करने के लिए आया होगा कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ, तो नहीं गई कहीं काम किए बगैर। चेक करने आए हो ना? देर तो नहीं हुई मुझे? लगता है कि तुम मुझे भरी जवानी में ही मरता हुआ देखना चाहते हो, इसीलिए आ जाते हो यहाँ। नहीं मुझे लगता है हमें मरने से पहले किसी के पास जाना चाहिए और बता देना चाहिए। कहाँ? सिनान के पास, जाहिर है, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। चलो उसको बताएं। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? हाँ लगता है आज सुबह जो भाई ने गुस्सा किया था वो सब कुछ भूल चुके हो। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, हरगिज नहीं कर रही, बल्कि मैं तो तुम्हें वो बता रही हूँ जो अपने बचपन से आज तक मैं देखती आ रही हूँ। हाँ मगर ये साफ है कि तुम उन्हें नहीं समझ पा रहे। यार समझो तुम, मेरा भाई तुम जैसा नहीं है। क्या मतलब है कि तुम जैसा नहीं है? वो हमारे रिलेशनशिप को नहीं समझेगा, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं जैसे तुमने समझा। और अब तुम जिद मत करो। डेफने, मेरे और सिरान में जो बात कॉमन है वो है हमारी बहनों की खुशियाँ, समझे? वो तुम्हें बेसमेंट में बंद तो नहीं कर देगा ना? सही कहा, वो मुझे बेसमेंट में बंद नहीं करेगा बल्कि गांव भेज देगा। आज भी घर आए थे और यही कोशिश कर रहे थे कि मैं सच बोल दूं कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए हम में से कोई भी जाकर उनसे बात नहीं करेगा, बल्कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि कोई देख ले। क्या मतलब डेफने? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हाँ चुपके मिला करेंगे, बच्चे नहीं है। अरे यालन, डेफने सिनान से अभी बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करेंगे, मेरी बात को समझो प्लीज। नहीं मेरी जान, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम करेंगे डेफने। हम नहीं करेंगे डेफने, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, करेंगे हम। चलो मेरी बात सुनो, तुम हटो, मैं मना कर रही हूँ ना, तो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डेफने सुनो, सब खराब हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ और अगर तुमने उसे कुछ बताया तो फिर देखना तुम। हाँ अगर मैंने बताया तो क्या हो जाएगा? इनकार कर दूंगी मैं। क्या? मुकर जाऊंगी। इनकार कर दूंगी? हाँ। ठीक है, यहां मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूं और तुम्हारे ये इरादे हैं। अरे यालन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम समझ नहीं रही। अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो तो शायद तुम। डेफने छोड़ दो, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मगर तुम सुन लो, मेरा उस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं जो अपनी फीलिंग्स के साथ खड़ा ना रहे। लग तेरा दिल गया वे,
मैनू लगता है तेनू।